राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहुआ टोला। यह है बिहार के पश्चिम चंपारण बगहा के रोहुआ टोला का एक विद्यालय। नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहुआ टोला। लोगों को यहाँ की साज सज्जा एवं सुंदर भवन देखकर किसी बड़े निजी विद्यालय का भ्रम हो जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर सन 2000 में हुई थी। उस समय ये 2 कमरों का एक सामान्य विद्यालय था, परंतु 2007 में श्री लखन प्रसाद नामक एक योग्य शिक्षक के आने के बाद उनकी इच्छा शक्ति के कारण विद्यालय का लगातार विकास हुआ और आज ये एक आदर्श विद्यालय के रूप में न सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले का बल्कि बिहार राज्य के कुछ चुनिंदा श्रेष्ठ सरकारी विद्यालयों में अपनी पहचान बना चुका है। वर्तमान में यहाँ कुल 5 शिक्षक पदस्थापित हैं। बच्चों की संख्या 250 के लगभग है। नवाचारी शिक्षा युक्त इस विद्यालय में शिक्षकों के मार्गदर्शन में बाल संसद के द्वारा पठन पाठन एवं अन्य गतिविधियां बड़े ही सुचारू ढंग से संपन्न होती हैं। चेतना सत्र में दिवस ज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग, समाचार वाचन, योगा आदि गतिविधियों को नियमित रूप से शामिल किया जाता है। चेतना सत्र के दौरान चिन्हित छात्रों के बाल एवं नाखून की कटाई प्रधान शिक्षक खुद अपने हाथों से करते हैं तथा उनके गंदे कपड़ों को रसोइयों द्वारा धोया जाता है। बाल पेंटिंग के माध्यम से पूरे विद्यालय को ही शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। इससे न सिर्फ एक सुदूर और सहज शैक्षणिक परिवेश का निर्माण हुआ है बल्कि विद्यालय की ओर बच्चों का आकर्षण भी बढ़ा है। वर्ग 1 एवं 2 के बच्चों के लिए आनंदमयी एवं संपूर्ण वर्ग कक्ष को ही शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में उपयोग में लाया जाना गर्व का विषय है। इस विद्यालय में अधिगम को सहज, रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने हेतु श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल TLM के रूप में विद्यालय में स्मार्ट क्लास का नियमित उपयोग करना भी बहुत ही प्रभावी और उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस विद्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जिसका बाल संसद पुस्तकालय मंत्री द्वारा प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं जिनका उपयोग बच्चे करते हैं, जिससे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित हो रही है, नई नई जानकारियां बढ़ रही हैं। इस विद्यालय में ससमय कक्षा संचालन के उपरांत दोपहर में बच्चे एक साथ बैठकर प्रत्येक दिन मेनू के अनुसार स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन का आनंद उठाते हैं। यहाँ किड्स बैंक का प्रबंधन बच्चों की ही एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिससे बच्चों में पैसों की बचत एवं साथ ही साथ अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन की बेहतर समझ विकसित हो रही है। नवाचारी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रत्येक कक्षा, बरामदा एवं सीढ़ियों को भी बच्चों के पठन पाठन के TLM के रूप में उपयोग में लाया जाना गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, यहाँ के पेड़ पौधों का उपयोग भी शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जाना बड़ा ही सुखद आश्चर्य प्रदान करता है। विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर अलग अलग पेड़ों पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के नाम लौह पट्टिका में लिखकर लगाए गए हैं। विद्यालय की खास विशेषता है यहाँ की पोषण वाटिका। अतिरिक्त समय में बच्चे यहाँ फूलों एवं कई किस्म की जड़ी बूटियों की बागवानी करते नजर आते हैं। इस विद्यालय में हर बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो बच्चों को एक विशेष अनुभूति करवाता है। रहुआ टोला का ये स्कूल यहाँ के प्रधानाचार्य
और शिक्षकों के दृढ़ संकल्प से पश्चिम चंपारण जिले में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ बच्चों के पठन पाठन के लिए नवाचारों को अपनाया जाता है तथा पढ़ाई के साथ उन्हें बाल संसद के द्वारा अलग अलग कार्यों में भी दक्ष बनाया जा रहा है, जिसे देखकर दूसरे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी प्रेरित हो रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि विद्यालयों के द्वारा किए गए छोटे छोटे नवाचार बच्चों में ऊर्जा प्रवाहित करने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। बच्चों के प्रसन्नचित भाव से विद्यालय में आना और जाना, विद्यालय के खुशनुमा आनंदमयी वातावरण एवं स्वरूप की ओर इशारा करता है।